देखो जैसे क्वेश्चन मैंने दिया था कल तुम्हें, क्या था? पी ग्रेटर देन ए, क्यों नहीं है? लेस देन इक्वल टू आर, वी यहां भी वी। अच्छा ठीक है, हाँ आर एस पी है, चलो कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि ये मर्ज नहीं हो रही, डायग्राम नहीं बन रहा। देखो तीन इक्वेशन है, तीनों में से जो सबसे बड़ी इक्वेशन लगे उसे उठा लो। अब देखो ये चार की है, ये पांच की है, ये तीन की है, तो पांच वाली को उठा लो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, उठा कोई सी भी सकते हो, लेकिन बड़ी वाली को एडजस्ट कर लो सबसे पहले। तो ये बन रहा है पी ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन एस इक्वल टू पी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में और इन दोनों में से कोई इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। जैसे यहां आर है, यहां भी आर है, तो इस आर से कॉमन लेते हुए इन दोनों को मर्ज कर लेंगे हम। कैसे? कि तुम देख रहे हो कि आर से लेस देन क्या है, यू है, आर यहाँ पे है, तो आर से लेस, भाई आगे और पीछे तुम चल नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ से एंगेज है वो, तो आर के ऊपर चलते हैं, तो आर से लेस देन यू हो गया। उसके बाद आर बराबर वी, तो अब ऊपर तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमसे हमें तो आर को कनेक्ट करना है, तो आर को किससे कनेक्ट करेंगे? तो आर बराबर वी, वी लेस देन इक्वल टू सी, तो ये वी है ध्यान रखना, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू ऐसे बना लेते हैं सी। ठीक है, ये हो गई, तो ये वाली कंपेयर हो गई, मतलब मर्ज हो गई। अब इसे करो, देखो एस डी ई तीनों में से क्या कॉमन है? एस कॉमन है, एस आपको पता है ग्रेटर देन है डी, तो एस ग्रेटर देन डी और डी ग्रेटर इक्वल ऐसे मर्ज हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? यू ग्रेटर इक्वल सी ई, ई है भाई, ई है उसमें, सी है, क्या है क्वेश्चन बताओ तुम इसमें? ई ग्रेटर देन सी, दूसरा बताओ टी ग्रेटर देन, ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था किधर से चलेंगे हम, ओपन से दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ओपन वाली साइड किधर है? सी की तरफ है, तो सी से कहाँ जाना है? तो सी देखो कहाँ है, सी ये रहा और ई ये रहा। अब जाएंगे कैसे कैसे? नहीं, सी से ई पे तो देखो यू टर्न लेके आना पड़ेगा हमें। देखो यहां से चले, ऐसे ही तो चलेंगे, ऐसे ही तो चलेंगे भाई। भाई सी से कहाँ जाएंगे? वी पे, वी से कहाँ जाएंगे? आर, आर से एस, एस से डी, डी से ई, तभी तो आया जाएगा। अब देखो हमें सी से ई पे जाना है, जबकि सी से आगे जाने वाला रास्ता ही बंद है, और बंद है तो गलत है। दूसरा बताओ, टी से डी पे जाना है, अब देखो टी से डी कहाँ जाएंगे? ये आर है ना, अब देखो ये रहा टी, ये रहा डी, ऐसे जाएंगे। अब टी से डी पे जाना है, देखो
तो टी से एस पे भी चले गए, डी पे भी चले गए। ये वाला साइन क्या कहता है कि एक बार अकेले मिलना चाहिए। मिल रहा है तो बात सही है, क्योंकि देखो ये मिल रहा, मतलब जब हम पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट पे जा रहे हैं उस पूरे रास्ते में ये वाला साइन अकेले होना चाहिए कहीं। जैसे देखो इसमें टी से एस गए थे, एस से डी, तो ये मिल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन बी, कोमा बी लेस देन इक्वल टू सी, कोमा डी इक्वल टू ई, कोमा सी ग्रेटर देन डी, कोमा ई बराबर एफ। और क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन ई और सी ग्रेटर देन ई। देखो पहले इसे मर्ज करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि दो दो के हैं, कोई से कोई उठा लो, तो सबसे पहले हमने पहले ही उठा लिया ए ग्रेटर देन बी। अब बी से लेस देन इक्वल टू क्या है, सी के ग्रेटर में क्या है, डी के बराबर में क्या है और ई के बराबर में क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी एक जगह हो जाएगी, ठीक है। पहला कह रहा है ए ग्रेटर देन ई, तो ए से कहाँ जाना है, ई पे जाना है, तो देखो दूसरी वाली केस में बंद हो गया, तो ये खत्म। सी से ई पे जाना है तो यहां से यहां पहुंचना है, तो डी पे भी चले जाएंगे, देखो ई पे भी चले जाएंगे। ये वाला साइन एक बार आना चाहिए, ये आ गया, तो ये वाला सही, ठीक है। मैंने तो मिटा भी दिया। क्वेश्चन बताओ क्या था, मुझे मुझे क्वेश्चन टी बस आंसर क्या है, पहला सही है, देखते हैं। चलो अब पहले इसे मर्ज कर लें कि डी लेस देन आर लेस देन इक्वल टू पी, पी से लेस देन क्या है के और पी से लेस देन इक्वल टू क्या है एल, और आर किसके कनेक्ट हो रहा है लेस देन इक्वल टू एस, ठीक है। अब चेक करो L से कहाँ जाना है, तो L से R जाना है, देखो L से P चले जाओगे R चले जाओगे, और देखो यहाँ भी इक्वल टू साथ है, यहाँ भी इक्वल टू साथ है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा K से R पे जाना है, तो K से P, P से R, देखो ये पहुंच गए, पहुंच गए। ये वाला साइन क्या कहता है, एक बार जरूर आना चाहिए, ये रहा, तो ये भी सही है, दोनों सही थे, दोनों सही। देखो क्या नाम है तुम्हारा, क्या सुहेल, जब ये वाला साइन चेक करना हो, ये वाला, तो ये कहता है कि जब हम जैसे यहां से के से आर तक का ये क्या है रास्ता ही तो है भाई, के से आर तक पहुंचने के लिए रास्ता ही तो बना हुआ है, तो ये एक बार कम से कम एक बार अकेले जरूर आना चाहिए। जैसे हम के से पी पे गए, पी से आर पे गए, तो एक तो ये साइन पड़ा हमें बीच में, एक ये साइन पड़ा, तो ये एक बार अकेले जरूर मिलना चाहिए। मिला था कि नहीं मिला था, मिला था, देखो ये रहा था, तो अगर मिल गया, दो कंडीशन है, एक तो हम के से आर पे पहुंचने चाहिए और दूसरा हमें
ये वाला सिंबल कहीं ना कहीं एक बार जरूर मिलना चाहिए, तो ये मिल गया था यहाँ पे, तो ये तो इसलिए सही हुआ। ये वाला सिंबल क्या कहता है कि भाई जो हमारा इक्वल टू का साइन होता है जो हमारा इक्वल टू का चिन्ह है वो पूरे रास्ते में साथ साथ चलना चाहिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए वो। अब जैसे हम कहां जा रहे थे, एल से आर पे जा रहे थे, अब एल कहां है, ये रहा, आर कहां है, ये रहा, चलेंगे कैसे, के जी चलने लायक तो छोड़ा ही ना तुमने, ऐसी तो चलेंगे। अब देखो एल कहां है हमारा, ये रहा, आर कहां है, ये रहा, तो जो रास्ता चलेगा वो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब जाने का रास्ता केवल इसी में से निकल के जाना है, ठीक है, आप ऐसे नहीं जा सकते कि भाई ये बना हुआ है ऐसे, तो ऐसे निकल जाओ, जाना इसी के अंदर से। और अगर गलती से ये ऐसे मिल जाए तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो एल से पी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखो ये वाला ओपन वाला मिल रहा है, ठीक है। पी से आर पे भी पहुंच जाएंगे, देखो ये वाला मिल रहा है। अब देखो यहाँ भी इक्वल टू साथ है, यहाँ भी इक्वल टू साथ है, ये इक्वल टू का ही साइन होता है जब ऐसे बन जाते हैं ना ये, तो ये ग्रेटर इक्वल कहलाता है। तीन साइन होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये आपका साइन है ग्रेटर का, ये आपका साइन है लेस का, और ये आपका साइन है इक्वल का। जब मैं इसको और इसको मर्ज कर देता हूं तो ये कहलाता है ग्रेटर इक्वल। अगर मैं ऐसे मर्ज कर दूं तो ये कहलाएगा आपका लेस इक्वल, क्योंकि छोटा बड़ा ये तो आपने एकेडमिक में आठवीं दसवीं में पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई है। मर्ज वाला सिस्टम सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है। जैसे यहाँ पी है, यहाँ पे भी पी है, अब हाँ तो ध्यान नहीं रखते ना तुम। अब जैसे यहाँ पी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, अब यहाँ भी पी दिख रहा है, अब पी से देखो पी की तरफ बंद वाला केस है, तो तुम भी पी की तरफ बंद वाला केस लिख के बना दो, क्योंकि पी की तरफ बंद वाला केस है, फिर के है पी की तरफ बंद वाला और इक्वल टू, तो आप ऐसे ही बना दो, यहां करके बना दो ऐसे, और फिर ये होता है। अब हेडिंग डालो कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, COADED। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या आएगा, ब्लड रिलेशन पढ़ा था, ब्लड रिलेशन में जैसे कहता ना कि ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरीके से ही इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हर सवाल के, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्या मिलेंगे, निर्देश मिलेंगे। जैसे सेंटेंस किस तरीके से लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, तो मतलब यहां से क्लियर हो जाएगा कि जहां भी हैज का साइन आ रहा होगा वहां ए ग्रेटर देन बी बन जाएगा, या जो भी वहां सेंटेंस दे रखा होगा वर्ड वो बन जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ए स्टार बी का अर्थ है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ए बी से बड़ा है या बराबर है। इसका क्या मतलब हो गया, ए ग्रेटर इक्वल बी बन जाएगा मतलब, ठीक है ना। तीसरा लिखेंगे ए एट द रेट बी का अर्थ है ए
ए बी के बराबर है। चौथा लिखेंगे, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा है और ए बराबर बी का अर्थ है ए बराबर बी का अर्थ है ए बी से छोटा या बराबर है। ठीक है, इस तरीके के निर्देश आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद सवाल मिलेगा आपको। सवाल कैसे मिलेगा? सवाल ऐसे मिलेगा, ये आसान होते हैं, देखो अगर ध्यान में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पी हैज क्यू कोमा आर डॉलर एस आर डॉलर पी कोमा आर स्टार ओ। इसके निष्कर्ष हैं, क्यों हैज आर सेकंड है, क्यों डॉलर आर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पी एट द रेट क्यू एल एट द रेट एम एम डॉलर पी। निष्कर्ष है इसके, क्यों हैज एम सेकंड निष्कर्ष है एम डॉलर पी। तीसरा सवाल है, पी हैज एम हैज एल एल हैज एन एट द रेट क्यू क्यों डॉलर एस एट द रेट आर एट द रेट एम और एल एट द रेट आर। चलो पहले 3 सवाल करो, फिर बाकी बाद में। देखो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो पहले तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ए बी दे रखा है, यहाँ पे ए बी कहीं है ही नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें केवल ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब कह रहा हैज वाला देखो कहाँ है, पहला ही तो है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, ये हैज वाला ही तो है। अब हैज वाले का मतलब क्या है कि ए हैज बी अगर लिखा हुआ है तो ए बी से बड़ा है। ठीक है, मतलब हैज का जो है साइन आओगा वहां ग्रेटर वाला साइन आएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी पी कि भाई पी ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, दूसरे में देखो आर डॉलर पी, अब डॉलर का मतलब क्या है कि आर बी से छोटा है, तो आर जो है वो छोटा है किससे, पी से। फिर इसे देखो आर स्टार ओ, और स्टार का मतलब क्या है कि या तो आर जो है ओ से बड़ा है या बराबर है, बराबर है तो आर या तो बड़ा है या बराबर है ओ के। अब इन तीनों को एक साथ लिखना है हमें। अब तुम देख रहे होगे पी बड़ा है क्यू से और पी बड़ा है आर से, तो अगर पी बड़ा है आर से तो कुछ ना कुछ ऐसे ही तो रहेगा। देखो तुम इसे देख लो चाहे चाहे इसे देख लो, दोनों सेम ही तो है। आर बड़ा है या छोटा है, बराबर है ओ के, तो आर बड़ा है बराबर है। अब हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो इससे करना है। ठीक है, तो अब इनसे नहीं करना हमें, केवल इससे करना है, क्योंकि ये सारी एक जगह मर्ज होके ऐसे बनेगी। अब हैज का मतलब क्या है, बड़ा है, तो यहां इसके लिए क्या बन जाएगा, पी
क्यों, और ये तो हमने कर लिया ना, इसके लिए क्यों आर, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, छोटा है, कि भाई क्यों छोटा है आर से। आंसर क्या आ रहा था, दोनों गलत। देखें अब क्यों से आर पे जाना है हमें, अब क्यों से हम देखो आगे ही नहीं बढ़ सकते, क्यों क्यों तो यहाँ पे आके बंद हो रहा है और बंद से आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है इधर से, ये बंद कहलाती है, कि अगर हमें ऐसा कहीं मिल जाता है साइन तो उससे आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्यों से आगे हम नहीं जा सकते, तो अगर हम क्यों से आगे ही नहीं जा सकते तो ये गलत। यहाँ देखो यहाँ किससे जाना है हमें, आर से पी, क्योंकि हम जो चलेंगे वो हमेशा ओपन वाली से बंद वाले की तरफ चलेंगे, तो आर से कहाँ जाना है, क्यों पे। अब देखो इसमें आर कहाँ है, ये रहा, क्यों कहाँ है, ये रहा, तो आर से भी देखो आगे नहीं जा सकते, तो ये भी दूसरे का क्या है आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पी एट द रेट क्यू, और एट द रेट का मतलब क्या है, तो यहां जाएगा इक्वल टू, एट द रेट का मतलब यहां भी इक्वल टू, और डॉलर का मतलब क्या है, छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे, देखो पी बराबर क्यू, एल तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा किसी से, अच्छा एम हो जाएगा ये, पी बराबर क्यू है और एम जो है वो लेस देन है पी के, ये एल कनेक्ट, अच्छा पी बराबर फिर क्यू, ऐसे आ जाएगा ये बनेगी इक्वेशन, यही बन रही है। एक बार इधर देख लो, ऐसी बनेगी ना इक्वेशन। साइन का तो सारा खेल ही इसमें। देखो भाई सबसे पहला काम क्या करना था सुहेल, कि हमें क्या करना है, तुम इसे समझाओ इतने, मैं इतने दूसरा सवाल नोट करता हूं यहां पे, ठीक है। पूरा कल की क्लास का बता दो इसे, तुम इतने कल की क्लास का पूरा बता दो इसे, लगभग लगभग चाहे कॉपी में से ऐसे ही बता दो अपनी में से, कोई तो आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा इसे। सबसे पहले देखो डॉलर का मतलब क्या है, छोटा नहीं है। अब देखो यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा, तो इसका बन जाएगा ए ग्रेटर इक्वल एम, ठीक है। पी एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब क्या है, न तो छोटा है नहीं बराबर है, तो क्या बचा, पी ग्रेटर देन एल, के हैज पी, न तो बड़ा है और न ही बराबर है, तो के छोटा होगा पी से, और पी डॉलर एल, पी छोटा नहीं है तो ए, सॉरी ए बड़ा है या बराबर है एल। अब देखो ए एम यहाँ है, ए एल यहाँ है, तो ए तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, हम किससे कनेक्ट कर देंगे, ए को एल से कनेक्ट कर देंगे, और जो ए है वो ग्रेटर इक्वल है किसके, एल के, एल छोटा है पी से, तो एल को कनेक्ट करेंगे किससे, पी से, और पी बड़ा है के से, बस हमारा क्वेश्चन इतना रहेगा, ठीक है। डॉलर की जगह क्या आ जाएगा, या तो बड़ा है या बराबर है एम, पी एट द रेट की जगह क्या आएगा, छोटा है और बराबर नहीं है, तो पी बड़ा है एल से, के हैज पी, हैज का मतलब क्या, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या बचा, के
ए छोटा है पी से, और ए डॉलर एल छोटा नहीं है, तो ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा एल के। तो ये चार बताने हैं, इससे ये खत्म हो जाएंगे। बताओ जल्दी।